तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बनेट्स कंपाउंड हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इसकी आईपीएससी हम लोगों ने खत्म कर लिया, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं। कार्बनेट्स कंपाउंड्स में आपके दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जिसके बारे में आपको डिस्कस करना होता है, एक होता है एथेनॉल और एक होता है कार्बोक्सैलिक एसिड। यस, एथेनॉल और कार्बोक्सैलिक एसिड से रिलेटेड एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिएक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, उसकी रिएक्शन देनी होगी। अब जो रिएक्शंस दिए जाएंगे वो कंप्लीट द फॉलोइंग में दिए जा सकते हैं या व्हाट हैपेंड टाइप में दिए जा सकते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन गिव ओनली केमिकल रिएक्शन, या हाउ वी कैन ऑब्टेन एथेनोइक एसिड फ्रॉम एथेनॉल। बासु में आ रहा नहीं आ रहा? तो इस तरह से रिएक्शंस क्या किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, दोनों के मिक्स कंपाउंड डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार है, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से एग्जाम में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराता हूं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा देता हूं, ठीक है? क्वेश्चंस हम लोग लिखते जाएंगे और उसके आंसर्स भी करते जाएंगे। जैसे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ व्हाट हैपेंड व्हेन गिव ओनली केमिकल रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आपके यहाँ जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो किस फॉर्म में पूछा जाता है, आपके यहाँ जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, मैं एग्जाम में आए हुए सारे के सारे पिछले 10 साल के क्वेश्चन है। ओके, अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट रिएक्शंस मिल जाएंगे। ओके, मैं पूरा का पूरा अनसॉल्व सॉल्व कराने चल रहा हूँ इसी एथेनॉल और एथेनोइक चैप्टर पे। दो चैप्टर हैं आपके, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, दो चैप्टर होता है आपके यहां। इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड आपके यहां क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, जैसा कि पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन आपके यहां क्वेश्चन किस टर्म में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है किस टर्म में, पहले उसको देखिए। व्हाट हैपेंड व्हेन गिव ओनली केमिकल रिएक्शन। ओके, व्हाट हैपेंड व्हेन गिव ओनली केमिकल रिएक्शन, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ओके, तो यहां पर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो दिया हुआ एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। नाउ योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ठीक है? यकीन मानिए अगर सारे क्वेश्चंस आपने मेरे साथ कर लिए तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं लगातार पिछले 10 से 15 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं सारे के सारे एक वीडियो में सारे के सारे सॉल्व कराने वाला हूं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका देखें क्या दिया हुआ है, एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। ओके, एथेनॉल सोडियम मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है और पूछा कब गया है, डेट देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है एंड 20 में पूछा गया। ओके, यह आपका पूछा गया 22 में, 21 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, ठीक है? तो अब अगर आप देखें तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एथेनॉल रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, एथेनॉल का आपने फार्मूला लिखना होगा, क्या होता है, CH3CH2OH, यह आपका क्या है, एथेनॉल है, यह आपका एथेनॉल का क्या है, फार्मूला है। ओके, यह आपका क्या है, एथेनॉल का फार्मूला है, दिस इज अ फार्मूला ऑफ एथेनॉल एंड एक मिनट, हाँ, अब यह रिएक्शन करने चल रहा किसके साथ, यह रिएक्शन करने चल रहा किसके साथ, यह रिएक्शन करने चल रहा सोडियम मेटल के साथ। कम ऑन, देखिएगा, एथेनॉल, दिस इज एथेनॉल, यानी कि यह एथाइल एल्कोहल है या एल्कोहल है, एथेनॉल, और इसने रिएक्शन किया किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। यह आपके
जो स्टेटमेंट था उसका मैंने रिएक्शन दिया हुआ, एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। अब यहां से क्या होगा, याद रखिएगा, सोडियम जाएगा यहां से हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अगर आप रिएक्शन देखें तो, अब अगर आप रिएक्शन देखें तो यहां क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, CH3CH2O, और इसकी जगह पे क्या आने वाला है, इसकी जगह पे आने वाला है Na। ओके, तो अब उसके बाद यहां से हाइड्रोजन क्या कर गया है, यहां से हाइड्रोजन निकल गया है, यहां से हाइड्रोजन क्या कर गया, निकल गया। तो देखिए H एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, यह हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, स्टेबल बनाने के लिए यह मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाया जाएगा। तो अब अगर आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, H2 करना पड़ेगा, दैट इज हाइड्रोजन गैस करना पड़ेगा। जब आपने यहां H कर दिया, यहां से 1H निकला है और यहां पर आपने H2 कर दिया है, तो यानी कि अब इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, 2A भी हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, यानी कि जो कंपाउंड मिलेगा यह क्या मिलेगा, दिस इज सोडियम एथॉक्साइड। ओके, दिस इज सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। ओके, दिस इज सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। ओके, तो रिएक्शन आपको सौ में आ गए, एथेनॉल रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल, ठीक है, विच गैस इज इवॉल्व्ड, कम ऑन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। ओके, एथेनॉल जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल विच गैस इज इवॉल्व्ड, नाउ इट विल बी हाइड्रोजन गैस, कम ऑन, व्हाट विल बी, इट विल बी हाइड्रोजन गैस। व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम इट फॉर्म्स सोडियम एथॉक्साइड्स एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, गेटिंग माई पॉइंट, आई थिंक आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ओके, समझ में आ रही है, ओके, तो अब आपने क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट रिएक्शन आपको करा रहा हूं, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं, एक एक रिएक्शन आपको बहुत ढंग से मैं कराऊंगा। चलिए, रिएक्शन नंबर 1 के बाद अब हमने 3 रिएक्शन बैक टू बैक लिख दिए हुए, अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद और सारी रिएक्शंस मैं आपको बताता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, एथाइल एसीटेट, कम ऑन, क्या दिया हुआ है, एथाइल एसीटेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। एथाइल एसीटेट किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम एसीटेट के साथ। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एथाइल एसीटेट को और किस नाम से जाना जाएगा, एथाइल एसीटेट इज आल्सो नोन एज एथेनोइक एसिड। बच्चे कंफ्यूज, केमिकल नेम में कंफ्यूज करते हैं, एथाइल एसीटेट दिया गया तो समझ नहीं पा रहे, एथेनोइक एसिड दे रहे हैं तो समझ जा रहे हैं, या यह दिया हुआ है एसिटिक एसिड दिया है तो समझ जा रहे हैं, बाकी ये दोनों नाम दिया है तो समझ ही नहीं पा रहे। तो मेन चीज देखिए, जब तक आप कंपाउंड्स नहीं लिखोगे तो रिएक्शन कैसे लिख पाओगे, और कंपाउंड्स लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, IUPAC पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, IUPAC नेमिंग पता होना चाहिए, और IUPAC नेमिंग मैंने बहुत ही ढंग से एक एक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करा रखी है, अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो प्लीज़ जाके पढ़िए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अदरवाइज यह सारी रिएक्शंस आप एग्जाम में क्या करके आने वाले हो, छोड़ के आने वाले हो, या बगल वाले का टीपने वाले हो, ओके, यानी कि, और बगल वाला आपको पता है आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, एथाइल एसीटेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने पता है एथाइल एसीटेट का या एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ओइक एसिड किसके लिए लगता है, आप देखो, ओ और एच के लिए लगता है, और इस एथाइल दिया हुआ तो यानी कि क्या हो जाएगा, CH3। नाउ दिस विल बी द फार्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड या एथाइल एसीटेट। ओके, कम ऑन, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और एच विल बी द फार्मूला ऑफ एथाइल एसीटेट या एथेनोइक एसिड, एंड व्हेन दिस रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ अब आप चेक कर सकते हैं, आपको पता है कि यह आपका क्या है, एसिड है,
और ये आपका क्या है, बेस है, एसिड और बेस चैप्टर आपने पढ़ा होगा। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स साल्ट। तो अब अगर आप देखो तो यहां पर NOH दिया हुआ है, तो जब आप इसको तोड़ोगे तो यहां क्या हो जाएगा, Na+ और क्या हो जाएगा, OH माइनस, और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। दिस H+ गोज विद OH माइनस एंड इट्स फॉर्म H2O। एंड अगेन क्लास अगर आप देखें तो यहां पर क्या आ गया है बच्चा, यहां पर आ गया है CH3COO, और इससे मिलने के लिए कौन आ गया है, इससे मिलने के लिए आया है Na। अगेन आपका वही कंपाउंड बन गया जो आपने पिछला बनाया था, दिस इज नोन एज सोडियम एसीटेट। कम ऑन, नहीं, सोडियम एसीटेट ये पिछला कंपाउंड नहीं है, क्योंकि पिछला कंपाउंड क्या था आपका, CH3CH2ONA था, यह क्या था, सोडियम एथोक्साइड था, क्या था, सोडियम एथोक्साइड, और अभी क्या हो गया, ये सोडियम एसीटेट है, दिस इज सोडियम एथोक्साइड। ओके, करेक्शन अगर मैंने गलत बताया तो करेक्शन कर लीजिएगा, सोडियम एथोक्साइड, यह क्या है आपका, सोडियम एसीटेट। तो अब आपको इस रिएक्शन का, इस स्टेटमेंट के लिए जो रिएक्शन आएगी, लिख दिया आपने, व्हेन एथाइल एसीटेट या एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अगेन अगला रिएक्शन करते हैं, अगला रिएक्शन क्या दिया हुआ, एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल इज आल्सो नोन एज एथेनॉल। पिछले रिएक्शन में आपको मैंने बताया था एथाइल एल्कोहल के बारे में, एथाइल एल्कोहल इज आल्सो नोन एज एथेनॉल, प्लीज डोंट कंफ्यूज, दिस इज अ कॉमन नेम एंड दिस इज अ IUPAC नेम, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। आपने क्या करना पड़ेगा, दोनों दिमाग में रखना पड़ेगा, कभी वो एथेनॉल इज हीटेड विद कंसेंट्रेट H2SO4 एट 160-170 डिग्री सेल्सियस पूछ सकते हैं, या कभी वो पूछ सकते हैं एथाइल एल्कोहल, कम ऑन, एथाइल एल्कोहल इज हीटेड विद कंसेंट्रेट H2SO4 एट 160-170 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, एथाइल एल्कोहल का फार्मूला CH3CH2OH होता है, दिस इज एथाइल एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है कंसंट्रेट H2SO4 एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, यहां पर 160-170 डिग्री टेम्परेचर होगा, और यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा, एक चीज और बता दें, कभी कभी ये स्टेटमेंट में ना पूछ करके यहां पर ऐसे ही रिएक्शन दे दी जाएगी और बोला जाएगा प्रोडक्ट ए बताओ, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ए। ओके, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे वो स्टेटमेंट में पूछा जाए और चाहे इसमें पूछा जाए, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ, CH3CH2OH दिया हुआ है, एट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4 ये रिएक्शन कर रहा है एट 160-170 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ही आसान रिएक्शन है, यहां से क्या होना है, OH माइनस निकल जाएगा, तो कार्बन के ऊपर, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा। अब ये जो कार्बन है यहां से H+ निकाल देगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस का चार्ज। दिस H+ गोज विद दिस OH माइनस एंड रिलीज वाटर। एंड नाउ क्लास, अब अगर आप देखो तो यहां पर CH3 था, एक हाइड्रोजन निकल गया है तो क्या बचा, CH2 बचा हुआ है, और यहां पर क्या था, CH2, और अब आपको पता है कि इसके पास प्लस का चार्ज, इसके पास माइनस का चार्ज, एंड प्लस माइनस मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे एंड बिकम न्यूट्रल। अब अगर आप देखें तो यह कंपाउंड अगर आपको याद आ रहा होगा, डबल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलोगे, एथीन बोलोगे, क्या बोलोगे, एथीन बोलोगे। अब कमेंट करके मेरे को बताओ कि जो यह एथीन कंपाउंड बना हुआ है, यह सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एक बार इसको जरूर बताओ। मैंने लगातार मैं कह रहा हूं, अगर मेरे साथ पूरा का पूरा आप पिछले 10 से 15 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिएक्शन से रिलेटेड, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं सारे सॉल्व कराने वाला हूं, तो कॉपी और पेन ले करके बैठिएगा, ताकि जितनी भी रिएक्शन लिखवा रहा हूं आप लिखिए, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन रिएक्शंस को जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यकीन मानिए यहां से कम 2 से लेकर के 4 नंबर या कभी कभी 6 नंबर तक के क्वेश्चंस फंसने हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा,
रिएक्शन सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, और अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप कर लोगे। तो यहाँ ए रिएक्शंस आपको समझ में आ गया, यानी कि अब ध्यान से समझो इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है हाउ वी कैन ऑब्टेन, कम ऑन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ वी कैन ऑब्टेन, कैसे प्राप्त करेंगे एथीन फ्रॉम एथेनॉल, कम ऑन, एथीन फ्रॉम एथेनॉल बताओ। अब सेम क्वेश्चन है, अभी इसको किस में कर रहा हूं, व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद कंसेंट्रेटेड H2SO4 एट 160 टू 170 डिग्री टेम्परेचर। तो आपने देखा एथेनॉल लिखा, कंसेंट्रेटेड H2SO4 टेम्परेचर लिखा, और आपको मैंने रिएक्शन बताया कैसे हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा हाउ वी कैन ऑब्टेन एथेनॉल फ्रॉम एथीन फ्रॉम एथेनॉल, तो फिर भी आपको यही रिएक्शन देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यानी कि मैं पहले कह रहा हूं इस स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि ए प्रोडक्ट फाइंड करो, उस टाइम में भी पूछा जा सकता है। और अगला स्टेटमेंट आपका बन सकता है हाउ वी कैन ऑब्टेन दिस फ्रॉम दिस, ओके, कैसे किसको बनाएंगे। तो आप परेशान नहीं होइए, तो आप पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे की चीजें डिस्कस करते हैं, आगे की रिएक्शंस मैं आपको बताने चल रहा हूं, पहले इसको नोट डाउन करिए। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या दिया, सोडियम एसीटेट इज हीटेड विद सोडा लाइम, कम ऑन, सोडियम एसीटेट इज हीटेड विद सोडा लाइम। क्या आपने सोडियम एसीटेट बनाया है? बिल्कुल बनाया है। कब बनाया था? अभी इसकी पिछली रिएक्शन में आपने डिस्कस किया था सोडियम एथाइल एसीटेट या एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया था तो जो प्रोडक्ट बना था हमारा क्या बना था, सोडियम एसीटेट बना था। क्या बना था? सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, चेक करिएगा, CH3 COO और क्या बन गया, Na बन गया, ओके। और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, इसकी रिएक्शन हो रही है सोडा लाइम के साथ, यानी कि NaOH अगेन और क्या है CaO के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हीट किया जाएगा। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ओके, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो अब आप ध्यान से देखो, सोडियम एसीटेट, दिस इज सोडियम एसीटेट एंड दिस रिएक्ट विद सोडा लाइम, इनको कंबाइंडली क्या बोला गया है, सोडा लाइम बोला गया है। क्या बोला गया, सोडा लाइम बोला गया है। तो अब इस रिएक्शन में आपने टेंशन नहीं लेनी है, ओके, आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस बार इसको तोड़ना है आपको किस में, NaO- माइनस में और H प्लस में, ओके, बात समझ में आ रहा है। और यहां से इसको तोड़ देना है माइनस में और इसको तोड़ देना है प्लस में। अब यह CH3 माइनस दिया है, इसके पास H आएगा, माइनस के पास प्लस आएगा और प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस जाएगा। तो अब अगर आप देखो तो CH3 था, एक और H आ रहा है तो CH4 हो रहा है, और अब अगर आप देखो तो COO और यहाँ क्या है Na एंड दिस इज प्लस, और इससे रिएक्शन करने के लिए NO माइनस आ रहा, प्लस माइनस बॉन्ड। आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ, यह Na यानी कि 2 हो गया और 1, 2, 3 और एक C हो गया, CO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। और यह जो प्यारा सा कंपाउंड बना है, दिस इज मेथेन, IPSC तो पता ही आपको, इसका नाम क्या है, मेथेन है, आगे बस हमें। तो यानी कि सोडियम एसीटेट आफ्टर रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इट फॉर्म्स मेथेन एंड सोडियम कार्बोनेट। फार्मूला क्या है, Na2CO3, ओके। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट रिएक्शन आपका क्या दिया हुआ, एथाइल एल्कोहल दिया हुआ। क्या दिया हुआ, एथाइल एल्कोहल, याद आ रहा, एथाइल एल्कोहल इज आल्सो नोन एज, कम ऑन कमेंट में करके बताइए, एथाइल एल्कोहल इज आल्सो नोन एज क्या, एथेनॉल। अभी मैं लगातार आपको बता रहा हूं, एथाइल एल्कोहल इज आल्सो नोन एज एथेनॉल, एंड व्हाट विल बी द फार्मूला, CH3CH2OH विल बी द फार्मूला, एंड दिस गोज टू रिएक्ट विद क्लोरीन, ओके। यह रिएक्शन करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। सो इजी, क्या होना है ध्यान से देखिएगा,
यहां से यह Cl प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाएगा, और यहां से याद रखिएगा यहां से क्या होना है, यहां से क्या होना है, यहां से आपका निकलेगा किसमें, तो यहां से यह निकल रहा है किसमें, H प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, H प्लस और ये माइनस हो जाएगा, और यहां से आपका क्या निकल जाएगा, यहां से आपका निकल जाएगा क्या, यहां से आपका निकलेगा, यहां से निकलेगा H प्लस, यहां से क्या निकलेगा H, यहां से निकलेगा आपका H प्लस और सॉरी H माइनस, और यहां से प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के यह क्या बना देगा, ध्यान से देखिएगा, तो यह बनाएगा आपका CH3COH, और यहां क्या हो जाएगा 2HCl हो जाएगा, एक H प्लस एक H प्लस, यहां से और यहां से दोनों आपस में मिलकर के क्या हो जाएंगे 2HCl हो जाएगा। कम ऑन, क्या हो जाएगा 2HCl हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल आफ्टर रिएक्टिंग विद क्लोरीन इट्स फॉर्म एसीटेल्डिहाइड, क्या बनाएगा एसीटेल्डिहाइड बनाएगा। कम ऑन, क्या बनाएगा एसीटेल्डिहाइड बनाएगा, क्या बनाएगा एसीटेल्डिहाइड बनाएगा, एंड एसीटेल्डिहाइड इज आल्सो नोन एज, ये तो कॉमन नेम है, और इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनॉल हो, एथेनल हो जाएगा। एल्डिहाइड के लिए कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है, AL यूज किया जाता है। तो यानी कि व्हेन एथाइल अल्कोहल गोज टू रिएक्ट विद क्लोरीन गैस इट्स फॉर्म एसीटेल्डिहाइड एंड HCl गैस। ओके, नाउ अगला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है, एथाइल अल्कोहल यानी कि एथाइल अल्कोहल क्या बोला गया, एथेनॉल। देखिए इन्होंने ब्रैकेट में क्वेश्चन में खुद लिख रखा है, एथाइल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड को देखिए इन्होंने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, एथेनोइक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड इज आल्सो नोन एज एथेनोइक एसिड इज रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, इसी रिएक्शन को बोला जाता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। याद रखिएगा यह जो रिएक्शन है क्या है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है। तो क्या होता है एस्टरीफिकेशन, व्हाट इज एस्टरीफिकेशन, राइट शॉर्ट नोट, लगातार एग्जाम में आपके पूछा जा रहा है। तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, तो याद रखिएगा व्हेन एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, मैं इसका स्टेटमेंट बना दिया मैंने, कंसंट्रेटेड H2SO4 इट फॉर्म एस्टर एंड वाटर, इसी को स्टेटमेंट बना दिया मैंने, डिफिनेशन बना दिया, इसी क्वेश्चन को मैंने डिफिनेशन बना दिया, तो कन्फ्यूज नहीं करिएगा। एस्टरीफिकेशन जब भी पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट लिखिएगा, व्हेन एथाइल अल्कोहल, क्या लिखोगे, व्हेन एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इट फॉर्म्स एस्टर एंड वाटर एंड टू प्रिपेयर एस्टर एंड टू प्रिपेयर एस्टर बाय दिस मेथड इज नोन एज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। कम ऑन, क्या बोलोगे, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, आई थिंक यू गॉट क्या है। अब आप रिएक्शन देख लो क्लास, तो एथाइल अल्कोहल, दिस इज एथाइल अल्कोहल, नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला, CH3CH2OH एंड दिस गोस टू रिएक्ट विद एसिटिक एसिड दैट इज एथेनोइक एसिड, एंड एथेनोइक एसिड को मैंने ऐसे लिख दिया है, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओ और क्या लिया है CH3, और जब दोनों की रिएक्शन कराई जा रही है तो याद रखिएगा एथाइल अल्कोहल से H और एसिटिक एसिड से OH यहां से निकलेगा। अच्छा, प्रेजेंस किसकी थी, कंसंट्रेटेड H2SO4 की थी। अब देखिए H प्लस और OH माइनस दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, और यहां से आपका क्या बन रहा है CH3। अब आप देख लो यहां से, देखो क्या है, यहां से आपने क्या लेके आए हो, यहां से लेकर के आए हो CH3CH2O, और यहां पर आपका क्या मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है CO एंड CH3। दिस इज नोन एज एथाइल
एथेनोइट है। क्या बोलोगे? एथाइल एथेनोइट एंड एस्टर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एस्टर बोला जाएगा। आई थिंक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक एक चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, हवा में नहीं पड़िएगा, ठीक है? एक एक रिएक्शन नोट डाउन करिए, एग्जाम में आपको एज इट इज सारी रिएक्शंस क्या करने वाली हैं, मिलने वाली हैं। तो आप इसको पहले शॉर्ट लिस्ट गिन लो या नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कराता हूं, नोट डाउन करो। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या दिया हुआ है आपका? दिया हुआ मेथेन। ओके, मेथेन इज कंबस्ट। कंबस्ट मतलब क्या किया जा रहा है? मेथेन को जलाया जा रहा है। तो दिस इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेन। याद रखिएगा, दिस इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट हैपन व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेन टेक प्लेस। कह रहा है कि मेथेन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो क्या होता है? अच्छा, जब इसे कंबस्ट किया जा रहा है यानी कि जलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा दिस इज नोन एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन आल्सो। दिस इज नोन एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेन। याद रखिएगा ये बात, ठीक है? यहां पर मेथेन का क्या हो रहा है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा। तो याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मेथेन दिया हुआ CH4 और इसका क्या हो रहा है? एयर से रिएक्शन कराना ही क्या कहलाता है? कंबशन कराना कहलाता है, यानी कि कंबस्ट या कंबशन कराना कहलाता है। जब एल्केन की या मेथेन की एयर से रिएक्शन कराई जा रही है तो इसको बोला जा रहा है कि मेथेन का क्या हो रहा? कंबशन हो रहा या कंबस्ट हो रहा। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और यहाँ पर क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी और प्लस यहाँ से लाइट भी प्रोड्यूस होगी। बात सुने? दिस विल बी द कंप्लीट रिएक्शन। नाउ अब इसे आपको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, बैलेंस करने के लिए आपको करना है क्या है? यहाँ पर चार हाइड्रोजन दिया गया है जबकि यहाँ दो दिया गया है, तो इसको आपने चार कर दिया। अब आपका ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस नहीं रह गया। दो ऑक्सीजन यहाँ है, दो ऑक्सीजन यहाँ है, चार, ठीक है, चार ऑक्सीजन है। तो अगर आप यहाँ पर इसको टू कर दो तो अब अगर आप देखो तो बैलेंस हो गई रिएक्शन। क्या हो गई रिएक्शन? क्या हो गई? बैलेंस हो गई। यानी कि जब मेथेन का मेथेन को कंबस्ट कराया जाता है या जब मेथेन का कंबशन कराया जाता है तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हीट एंड लाइट। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लगातार एग्जाम में पूछी आ रही है। मेथेन को मिक्स किया जा रहा, मेथेन इज मिक्स्ड विद क्लोरीन गैस। कम ऑन, मेथेन इज मिक्स्ड विद क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मेथेन का फार्मूला क्या है आपका? CH4, अभी आपने लिखा CH4, और इसकी रिएक्शन किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ हो रही है। अच्छा, इसके साथ साथ क्लोरीन गैस के साथ क्या है? सनलाइट है, तो सनलाइट को आप HV करके ऐसे लिख सकते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, या आप चाहो तो पूरा का पूरा सनलाइट ही लिख सकते हो, ठीक है? तो अब अगर आप यहाँ से देखो तो रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन, एक Cl से, दो Cl है यहाँ पर, ध्यान से देख लीजिएगा, Cl दिया है, एक Cl एक हाइड्रोजन को सब्सिट्यूट करेगा, तो एक यहाँ क्या बचेगा? CH3, और एक Cl इसकी जगह पे चला जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से सब्सिट्यूट हुआ है इसके साथ चला आएगा, क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। तो दिस इज क्लोरोमेथेन। क्या बोला जाएगा? क्लोरोमेथेन बोला जाएगा। अब अगर फिर से इसकी रिएक्शन आप करा दो CH3Cl की प्लस किसके साथ? Cl2 के साथ, तो अगेन क्या होगा? एक Cl इसके हाइड्रोजन को फिर से हटाएगा, तो क्या हो जाएगा? HCl, और एक Cl इसके साथ चला जाएगा, तो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और निकल गया, तो क्या हो गया? CH2, और यहाँ पर एक पहले से था, एक और आ गया, क्या हो गया? Cl2। अगेन अगर आप Cl2 से रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ HB, तो एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा, और अब यहाँ क्या हो गया? CH, और यहाँ हो जाएगा Cl3। अगेन अगर आप रिएक्शन करा दो Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HB, तो अगेन एक HCl और निकल गया, और अब क्या बच गया? CCl4 हो गया। नाम देख लीजिए कंपाउंड का, इसका नाम क्या हो गया? डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। व्हाट विल बी? डाइक्लोरोमेथेन, और इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। नाउ क्लास, अगर अब मैं आपको बता दूं, ट्राइक्लोरोमेथेन जो होता है बेटा, दिस इज आल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म। व्हाट विल बी?
क्लोरोफॉर्म, इट विल बी द कॉमन नेम ऑफ ट्राइक्लोरोमेथेन. कम ऑन, ट्राइक्लोरोमेथेन इज आल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म. ओके, और यहां पर क्या है, सीसीएल फोर दिया हुआ. सीसीएल फोर को क्या बोलोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड. याद रखिएगा, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कम ऑन, क्या बोला जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गिव द एग्जाम्पल ऑफ वन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द फेवर ऑफ हाइड्रोकार्बन, इन द फेवर ऑफ हाइड्रोकार्बन. ओके, यानी कि क्योंकि अब इस तरह से क्यों पूछा जा रहा है, मैं आपको बता दूं, आपको याद आ रहा होगा, आपने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ, फर्स्ट चैप्टर में आपने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं. ओके, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट चैप्टर अपना है, वहां पर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, उसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं, तो वहां पर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो. बट यहां पर क्या है, यहां पर हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन का सब्स्टिट्यूशन का एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि व्हेन हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद स्पेशली मेथेन विद Cl2, इट्स फॉर्म सब्स्टिट्यूशन, इट्स सोर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आप देखो, एक एक करके Cl जो है, एक एक करके सारे हाइड्रोजन को खाता चला जा रहा है, और लास्ट में एक भी Cl, एक भी H नहीं बच रहा है, लगातार सारे के सारे क्या कर गए, निकल गए. ओके, तो बहुत सारे रिएक्शंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराई हैं, उम्मीद करता हूं कि आपने इसे अच्छे से लिखा होगा, और जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो इन रिएक्शंस को अच्छे से क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे. ओके, अभी और भी बहुत सारी रिएक्शंस बची हुई हैं जो डिस्कस करनी बाकी हैं. ओके, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा. क्या इसी तरह से सारे एग्जाम में आए हुए, पिछले 10 से 15 साल में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूं? अगर यस, तो कमेंट में बताइए कि आपको रिएक्शंस कैसी लगी. ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए.